सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। चौदह में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में तब्दील कर दिया। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए इस साल गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में दसों आसियान देशों के प्रमुख को बुलाया गया है। भारत की विदेश नीति और एशियाई देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए यह कदम बहुत ही प्रमुख है। मलेशिया के साथ भारत के व्यावसायिक और आर्थिक संबंध काफी अच्छे हैं। म्यांमार की आंग सान सू की कई बार भारत आ चुकी हैं। उन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई की है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसलीन लुंग के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत तौर पर अच्छे संबंध हैं। ली साउथ चाइना सी में भारत की दमदार भूमिका की वकालत कई बार कर चुके हैं। आसियान देशों और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बड़े समर्थकों में से एक सिंगापुर भी है। इंडोनेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री जोको विडोडो की पीएम नरेंद्र मोदी से काफी व्यक्तिगत राजनीतिक समानता भी है। जोकोवी के नाम से मशहूर यह इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री देश के पहले पीएम हैं, जो किसी प्रभावशाली सैन्य अथवा राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखते हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन 1985 से ही देश की कमान संभाल रहे हैं। इस वक्त वह दुनिया में सबसे लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहने वाले राष्ट्र प्रमुखों में से एक हैं। कंबोडिया को चीन के भरोसेमंद मित्र राष्ट्रों में से समझा जाता है। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसलन बोकिया की गिनती दुनिया के सबसे रईस लोगों में से होती है। सुल्तान के राजनीतिक कौशल का लोहा पूरा विश्व मानती है, क्योंकि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश को एकीकृत रखा है। नुआन जुम फुक वियतनाम के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार भारत आ रहे हैं। सिंगापुर के साथ वियतनाम आज भारत का सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर है। लाओस के प्रधानमंत्री थोंग लाउंग सिसोउलिक की 2017 में पीएम मोदी से पहली मुलाकात हुई थी। एशियाई राष्ट्रों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए सिर्फ भारत लाओस संबंधों को अलग आयाम मिल सकता है। थाईलैंड और भारत दोनों ही देश एक दूसरे के साथ सहयोग की नीति पर काम कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड भारत की सक्रिय भूमिका की बात कई बार कर चुका है। आतंक के खिलाफ भारत की साझा लड़ाई में थाईलैंड ने भी भारत की पक्ष ली है। सुयश, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।